हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में भिंडी और मिर्ची की सब्ज़ी बनाऊंगी तो कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं फली की बना रही थी लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। मैं शाम को ही साफ करके रखी थी लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएँगे, भिंडी की बना दो। और ये देखिए गैस के पास में रखी हुई है लेकिन मना कर दिए। और यहाँ पे जो मैं भिंडी वगैरह कट करके सब्जी और चाय बना रही हूँ और बच्चों का दूध भी गर्म करूँगी साथ में। यहाँ पे मैं अदरक डाल दूँगी चाय में और यहाँ पे सब्जी कट करके और सब्जी बनाऊंगी। तो तेल गरम हो गया है, उसमें मैं जीरा डाल दी, अभी डाल दूंगी इसमें लहसुन। तो लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाल दूंगी। लहसुन और अदरक का काफी अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी भिंडी और मिर्ची। और अच्छे से तेल में फ्राई कर लूँगी इसको मैं। तो ये आधी वैसे ही गल जाती है, जब मसाले काफ़ी थोड़ी देर बाद में डालेंगे तो ये गल जाएगी अपने आप ही, क्योंकि इसमें पानी तो डालना होता नहीं है बिल्कुल भी। और मसाले अगर डाल देते हैं तो फिर सब्जी जलने लग जाती है मसालों की वजह से। तो थोड़ी देर में इसको ऐसे ही पकाऊँगी और फिर डालूँगी मसाले। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दूँगी और यहाँ पे ला लूँगी धनिया, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दूँगी और फिर अच्छे से मसाले मिला लूँगी। और यहाँ पे हरी मिर्च भी है इसमें, तो मैं बच्चों को टिफ़िन में हरी मिर्च को हटा दूँगी और उनको नहीं डालूँगी, ओनली भिंडी डाल दूँगी। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा थी देखिए, तो कितनी कम हो गई है, वैसे धीरे धीरे पकती है ऐसे। तो इसको अच्छे से मसाले को मिला के और नमक डाल दी मैं। और यहाँ पे देखिए, और ये ज़्यादा बनी हुई गलती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी क्रंची सी रहती है तब ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसको ढक के पकाऊँगी क्योंकि इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो बच्चों को मैं दूध और नाश्ता दे दूँगी सुबह, क्योंकि उनको स्कूल जाना है, तो नहा धो के रेडी हो गए और अभी नाश्ता कर लेंगे। और मैं इधर सब्जी बना दी और आटा लग चुका है तो पराठे बना दूंगी फिर। और यहाँ पे बच्चे तैयार हैं नहा धो के सारे खुद के काम से, क्योंकि अभी इनकी ड्रेसें स्कूल में बनी नहीं है, बन रही है मतलब, अभी स्कूल में पता नहीं है ना कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे। और बच्चे एक दूसरे स्कूल चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर देखिए, वो काफ़ी सारे ऑर्डर करते हैं उसके ड्रेस के सिलवाने के लिए। तो अभी ड्रेसें आई नहीं है इनकी, तो अभी विदाउट ड्रेस जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे बना लूँगी मैं पराठे। और ये रोटी की जैसे सेप आ जाती है इनकी पराठों की, लेकिन होते हैं ये पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और जो नॉर्मली पराठा बनाते हैं वो भी मैं बनाऊँगी। और इनको अच्छे से मैं सेक लूँगी। और यहाँ पे जो टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं बच्चों का, तो बड़े वाले बेटे को रख दूँगी और फिर छोटे वाले का पैक करके दे दूँगी। तो यहाँ पे पराठे हैं और भिंडी की सब्जी और सैलेड है, तो सिंपल से टिफ़िन तैयार है बच्चों का।
तो ये बड़े वाले का पैक हो गया। तो यहाँ पे छोटे वाले का पैक कर लिया, बन गए हैं। और यहाँ पे देखिए नए शूज हैं बड़े वाले बेटे के, तो धुले हुए हैं वो, इसलिए अंदर पहन के आ गया, तो इग्नोर करना आप लोग। और यहाँ पे जो है टिफिन पैक हो गए हैं। और यहाँ पे बची हुई जो सब्जी है वो मैं निकाल लूंगी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और ये देखिए कितनी मोटी साइज की रोटी है, ये इसलिए है रात को आटा बच गया था, तो मैं आटे को फेंकी नहीं, कच्चा नहीं फेंकी, इसको मैं गाय को रोटी दूंगी गुड़ डाल के। तो कच्चा आटा नहीं देना चाहिए गाय को, और जो भी मतलब रोटी मोटी साइज की बना के और उस आटे की दे दे गाय को, तो ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैं फ्रिज में रख दी थी, वैसे रखना नहीं चाहिए, पहले के ज़माने में फ्रिज नहीं होते थे इसलिए नहीं रखते थे, आजकल फ्रिज है। वैसे मैं रोटी खुद के लिए बनाने के लिए नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं रखी थी और फिर रखी तो मैं सुबह कच्चा आटा बाहर नहीं फेंकी, गाय के लिए रोटी बना। हेलो जी, सभी को जय माता दी, सभी को राम राम, सब आप कैसे हो, सब अच्छी अच्छी रहे। अभी सुबह के बच्चों के और ना वैसे जो अब मेरा जो एडिटिंग का काम है, वीडियो अपलोड करने का काम, ये भी काफ़ी सारा काम हो जाता है मेरा। और शायद जो अकेले मॉम्स रहने वाली उनको पता होगा कि काफ़ी काम होता है। और काम कब होता है, जितना भी काम होता है ना वो या तो शाम को होगा या फिर सुबह ही होगा, दिन में चाहे अपन फ्री रहें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ काफ़ी सारे काम में सुबह निपटा लेती हूँ बच्चों का, जैसे पानी की बोतल भर के रखना, टिफ़िन में मतलब सैलड वगैरह काट के रख देती हूँ मैं पहले ही, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन थोड़ी मैं जल्दीबाजी में काम कर रही थी ना, तो सारा बेकार हुआ, मेरा वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं निकला, तो फिर से मैं उसको डिलीट करी और दोबारा से, फिर भी मैं हड़बड़ी में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, वीडियो समझ में नहीं आ रहा था, जो मेजरमेंट बना रही थी मैं बता रही थी मेजरमेंट, वो भी लगता है मुझे शायद मैं गलती बोली होगी, तो बस थोड़ा जल्दीबाजी में कभी काम कर नहीं चाहिए, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आराम से करना चाहिए। और बाद में भी अपन जब करते हैं तो उसको आराम से ही करते हैं, जब भी उसका रिजल्ट अच्छा आता है और वो अच्छे से काम होकर तैयार होता है। जल्दीबाजी में तो मतलब हमेशा काम बिगड़ते ही हैं। और जो मेरा लहंगा मैं सिलवाई थी वो सिल के आ चुका है, इस तरीके की पाइपिंग है इसमें, और ये डबल अम्ब्रेला में है, बहुत ज्यादा घेर है इसमें, इस तरीके से अम्ब्रेला है, चुनगट वाला नहीं है। और ये अम्ब्रेला में है, और इसकी जो नीचे की है ना पट्टी वगैरह वो सब पाइपिंग निकल के, देखिए पाइपिंग निकली हुई है, पाइपिंग निकल के फिर अलग से पट्टी लगी हुई है, तो इसका काफी अच्छा लुक आता है, अलग लगता है थोड़ा। इसमें दो डिजाइन हो गई, और ये डबल अम्ब्रेला में है और पट्टी वाला भी हो गया। इसके ऊपर है ना जो आप जॉर्जेट वाली या कॉटन की कोई सी भी ओढ़ नहीं ओढ़ सकते हैं। और जो ये ऐसी जो पसंद है ना मेरे पापा की है, मेरे पापा की पसंद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कपड़े के मामले में एक नंबर पसंद है। मैं अब जाके कपड़े लाने लगी हूँ, नहीं तो मैं मेरी शादी में भी कपड़े पसंद नहीं करी, मेरे पापा ही लेके आते थे, और बहुत अच्छी पसंद है उनकी, और एक ही नज़रिए में वो पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सी ड्रेस अच्छी है कौन सी नहीं है। तो उनकी जो कलर हो कपड़ा हो उनको एक बार में पता चल जाता है कि कौन सा सही है। और जब भी उनकी चीज़ लाई हुई है ना, किसी को ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आई हो, बिल्कुल अच्छे से अच्छे लेके आते हैं वो, उनको पता है कि किसको कैसा लगेगा, कैसा पहनने के बाद उसको अच्छा लगेगा, तो वो उसी तरीके का लाते हैं। और ये मुझे कलर चाहिए था तो मेरे को मिल गया पापा जी से, और मेरे पापा की पसंद बहुत अच्छी है, आई लव माई पापा।
ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, इनकी बुकें वगैरह सब आ गई है। तो बड़ा वाला बेटा 8th क्लास में है, तो उसकी बुकें उसको आज मिल गई है। और यहाँ पे छोटे वाला जो बेटा है, खाना वाना खा चुके हैं, ये थोड़ा बहुत खाए हैं, मैं ज़बरदस्ती खिलाई हूँ दोपहर में आने के बाद भी, लेकिन नहीं खाए ज़्यादा क्योंकि भूख ही नहीं लगती है, टिफ़िन लंच ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी पढ़ाई करा दूँगी इनको, जो भी इनको होमवर्क वगैरह मिलता है तो मैं चलता रहता है आजकल सारे दिन। और उसके बाद मैं इनके लिए दूध चाय बना दूँगी, मेरे लिए चाय बना लूँगी और उनके लिए दूध गर्म कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मलाई है, तो ये मैं अलग से छलनी रखती हूँ, चाय छानने वाली जैसी, इसको चाय छानने में काम में नहीं लेती हूँ। और इस तरीके से मैं मलाई को छान के फिर अलग से डालती हूँ, फिर रखती हूँ फ्रिज में, वैसे नहीं रखती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि दूध अगर चले जाता है ना तो फिर दूध खराब हो जाती है सारी मलाई। तो मैं बिल्कुल छान के दूध पूरा निकाल के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, और यहाँ पे चाय बन रही है, साथ में मैं दाल भी गोदी थी 2 बजे के करीबन, तो मैं दाल चढ़ा दूंगी। 4:05 बज गए हैं, और 4 बजे मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आजकल मैं 6 साढ़े 6 बजे खाना खिला देती हूँ बच्चों को, और जल्दी भी सोना होता है, तो 8 बजे हम सारे काम से फ्री हो जाते हैं। 7 बजे तक खाना वाना खा के और फ्री हो जाते हैं, और बाद में 1 घंटा मंदिर में बैठते हैं माता रानी के, तो ऐसे करके, और फिर 1 घंटा थोड़ा घूम लेते हैं तो 9 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद में बच्चे अगर घूमते नहीं हैं तो वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे शाम का खाना वाना है जो फिर करके फ्री हो जाऊँगी मैं, तो मैं चाय पीऊँगी अब। सभी को जय माता दी एंड बाय बाय, राम राम।